ऐसी बीमारी जिससे हर तीसरा आदमी परेशान है। सिम्टम्स बता देता हूँ फटाफट क्या होते हैं। अगर दिन भर थकान बनी रहती है, बार बार पेशाब करने का मन करता है, सडनली वेट लॉस होना शुरू हो गया, सडनली वेट गेन होना शुरू हो गया, कोई भी चोट लग गई और हील नहीं हो रही है, हमेशा भूख लगती रहती है, जितना भी खा लो कमी लगता है, इसके साथ साथ में आपको इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फंगस बहुत ज्यादा हो जाता है आपको, इसके साथ साथ में सेक्सुअल डिजायर्स अगर आपकी खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो रहे हैं, आप डायबिटीज के पेशेंट हो रहे हैं, यानी कि हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट सी महसूस हुआ करती है, टिंगलिंग सी हुआ करती है, अगर ऐसा हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं आपको जांच कराने की जरूरत है। अगर आपकी उंगलियां यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पर सनसनाहट सी रहती है, जलन सी महसूस हो रही है, तो भी आप कहीं पर अपनी जांच करा लीजिए ब्लड शुगर की। हो सकता है आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा है, डबल दिखाई पड़ रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यू कुड बी ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज। ऐसा ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी डायबिटीज की जांच कराइए, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि क्या प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। इसके साथ साथ मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो नोनी आप जरूर लीजिए 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ में आप स्पायरोना खाली पेट भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। ग्रीन टी आपको लेना होगा नाश्ते के 45 मिनट बाद, एंड रेड कोरियन जिंसिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर कोई सिंगल प्रोडक्ट बता दीजिए, तो मैं उससे कहता हूं भैया ग्रीन टी ले लो, रेड कोरियन जिंसिंग ले लो। रेड कोरियन जिंसिंग इस वास्तव में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लेंगे एक सुबह एक शाम